कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। इसके एमआरपी की बात करूँ तो ये 10 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स रहती है जिसका एमआरपी 155 रुपीज़ रहते हैं। इसके अंदर विटामिन D3, मेकोकोबालामाइन्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड और एस्टर स्ट्रेस और फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम ऑन बोरेक्स कैप्सूल रहती है। ये कैप्सूल जो कि यूज़ होती है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करने के लिए, बोन की डेंसिटी को मजबूत करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है और ये बॉडी के फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए यूज़ होती है। तो इस कैप्सूल का बहुत सारा यूजेस है, तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सटीट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि कैंडी काइंस प्लस कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैंडी काइंस प्लस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। ये 10 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल रहती है जिसका एमआरपी 155 रुपीज़ रहता है। ये कैप्सूल जो कि यूज़ होती है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि ये सप्लीमेंट देती है, मिथाइल क्लोबामाइंस इसके अंदर है, कैल्सिट्रॉल्स इसके अंदर है, कैल्शियम कार्बोनेट है और अदर इंग्रेडिएंट इसके अंदर है जो कि हड्डियों को, जॉइंट हेल्थ को मजबूत करती है। ये कैप्सूल जो कि क्या करती है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज़ होती है, मसल बाइंडिंग में यूज़ होती है और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में यूज़ होती है। तो मिथाइल क्लोबामाइंस एंड कैल्सिट्रॉल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अंदर डाला गया है डाइकोहेक्सोनिक एसिड डाला गया है और इसके अंदर इथाइल एस्टर इसके अंदर डाला गया है और फॉलिक एसिड एंड बोरेक इसके अंदर डाला गया है जो कि क्या करती है कि बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करती है, बोन के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है और मसल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। विटामिन डी इसके अंदर डाला गया जो कि ऑब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का बॉडी के अंदर और कैल्शियम जो कि मेंटेन रखता है हार्ट के हेल्थ को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग बोन रखता है। इसके अंदर जो क्या है कि इथाइल एस्टर डाला गया है जो कि क्या करता है कि और डेकोसैक्सोनिक एसिड डाला गया जो और ओमेगा फैटी एसिड डाला गया जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करता है और मिथाइल क्लोबामाइंस डाला गया जो कि नर्व सेल्स को मजबूत रखता है और बोरेंस डाला गया जो कि क्या करता है कि बोन के मिक्सिंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल ये कैप्सूल यूज होती है जॉइंट हेल्थ के लिए और बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होती है। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।